आप वोट डालाए हैं? हाँ जी हाँ जी। मैम ऊपर निशान दिखा दीजिए कैमरे में। मैम क्या मुद्दे हैं इस बार, किन चीज़ों को लेकर देखकर जो ग्रामीण विधानसभा की महिलाएं हैं वो इस बार मतदान कर रही हैं? देखो मतदान तो आप अपनी मर्जी का होता, बता तो हम कुछ नहीं सकते भी किसको दिया कैसे? मुद्दा क्या रहा, किन चीज़ों को मद्देनजर रख के इस बार वोट दिया है, काम हुआ है? मुद्दा तो यही होता गाँव के लोगों का, गाँव का विकास हो, जो भी करे, जो भी सरकार आए गाँव का विकास करे, इसी उससे देते हैं, बाकी तो कोई हो नहीं। हुआ है काफी हद तक हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, विकास तो हो रहा है, विकास हो रहा है। चलिए मैम, क्या विकास हो रहा है? मैम क्या नाम है आपका? किरण। मैम आप वोट डाले हैं? जी मैम। मैम ये बताइए ग्रामीण में आज क्या मुद्दा है, किन चीज़ों को लेकर जनता वोट डाल रही है? जनता यही सोच के वोट डाल रही है कि जो विकास अधूरे रहे हैं या जो ये आने वाली पार्टियां अपना उन्होंने दिया है मोटिव कि ये करेंगे तो वो पूरा करें, यही सोच के कि आगे और डेवलपमेंट हो, अच्छे से हो। अभी जो पुराने 5 साल रहे डेवलपमेंट हुआ है? काफ़ी हद तक हुआ है और कुछ और भी होने चाहिए, कुछ और भी होने चाहिए बिल्कुल। मैं महिलाओं को लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं दी गई हैं या और किसी तरीके? महिलाओं को लेकर काफ़ी सारे हैं, जैसे कि आपकी सुरक्षा के लिए हुई भी है और भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से केस है जो ऐसे हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। चलिए मैम आप मुझे बताइए क्या नाम है मैम आपका? पूनम शर्मा। मैम आप मुझे बताइए वोट डाल दिया आपने? यस मैम। दिखा दीजिए मैम एक बार कैमरे में। मैम क्या मुद्दे रहे हैं इस बार, किन चीज़ों को लेकर जो ग्रामीण विधानसभा में जनता है वो वोट कर रही है? देखो जी ग्रामीण महिलाएं चाहती है कि गांव में भी हर एक सुविधा मिले जो शहरों में है, लेडीज़ के लिए तो ये होता गांव में। और जो बीजेपी सरकार है हमारी, इन्होंने लेडीज़ के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं। एक तो HRTC में देखो किराया हाफ कर दिया है, बाकी गाँव में महिलाओं के लिए 3 सिलेंडर फ्री दिए थे, उसके बावजूद जब ये कोरोना काल में है हर घर घर राशन पहुंचाया, ये बीजेपी की सरकार थी, चाहे वो सेंटर से चाहे वो राज्य से कोई भी सरकार थी। मैम आम आदमी पार्टी को लेकर किस तरीके से देख रही हैं? ये तो हम कुछ नहीं है, आम आदमी के पार्टी में हम कुछ नहीं बोल सकते। मैम मतलब उनका वर्ष में, मतलब आपको क्या दिख रहा है कि उनका प्रभाव है हिमाचल में या नहीं, बस अब इतना जानना था। सो सो है सर से बात करते हैं। मैडम आप वोट डालने जा रही है? मैम एक बार निशान दिखा दीजिए कैमरे में, निशान दिखा दीजिए। मैम किन मुद्दों को लेकर इस बार मतदान किया है? मतदान तो यही है जी, जो सरकार दे रही है उसमें आगे भी सहयोग करे, बस मुद्दा हमारा ही है। और बेरोजगारी जो है युवाओं, अच्छी जैसे कि अगर हम ग्रामीण की बात करें, ग्रामीण विधानसभा की बात करें, तो कितने और मुद्दे हैं यहाँ पर? मैम ग्रामीणों में सड़क सबसे पहला मुद्दा तो यही है, सड़क बनी भी है, कुछ बनने में है, बाधाएं जो है वो पूरी हो, कच्ची है वो पूरी हो, बस हमारा यही मुद्दा है। सर क्या नाम है आपका? GR शर्मा। वोट डाला है आप सर? हाँ जी सर। जी सर। सर किन मुद्दों को लेकर इस बार मतदान किया है आपने? हमारा सबसे पहला तो विकास का जी, दूसरी महिला सुरक्षा जी, बच्चों की सुरक्षा जी, क्योंकि आजकल बहुत बच्चों के साथ भी घटनाएं घट रही हैं, ये मेन मुद्दे है जी। और बाकी युवाओं के लिए रोजगार का है जी, और प्रत्येक गाँव के लिए जो है सुविधा होनी चाहिए आने जाने की सड़कों की जी, वो है कच्ची सड़कें, उनका जो है वो इंतज़ाम होना चाहिए कि जैसे लोगों के लिए कोई दिक्कत ना पैदा हो, ये मेन है जी। सर ग्रामीण विधानसभा में कितने और मुद्दे हैं? देखिए और भी महिलाएं आ रही हैं, आप और आप ना ऐसे करके निशान दिखा दीजिए जिस भी उंगली में आपके निशान है। मैम क्या नाम है आपका? नेहा। ये बताइए ग्रामीण विधानसभा से आपने वोट डाला है, क्या मुद्दे हैं इस बार आपके जिनको लेकर आज वोट डाल रहे हैं? जी हमें तो हम फर्स्ट टाइम वोट दे रहे हैं। पहली बार आपने वोट दिया था मैम, इस बार आपने क्या सोचकर वोट दिया, क्या मन में रहा है, क्या मुद्दे रहे इस बार आपके? बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। काम हुआ है? हाँ जी काम तो हुआ है। हाँ जी हाँ जी ठीक है, काम हुआ है। मैम आपका क्या नाम है? हेमलता। हेमलता आपने वोट डाल दिया? हाँ जी हाँ जी हाँ। इस बार आपका क्या मुद्दा रहा है, किन चीज़ों को सोचकर इस बार आपने? बेरोजगारी नहीं होनी, विकास होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी विकास हुआ है और हो रहा है। हाँ जी हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। शहरी विधानसभा से यहाँ के लोगों के जो मुद्दे हैं वो थोड़े से अलग रह सकते हैं, और यही हम जानने के लिए जो लोग हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। और यहाँ की अगर हम बात करें वोटिंग की, तो देखिए आप देख ही पा रहे हैं। मैम क्या नाम है आपका? मैम वोट डाला है आप? हाँ जी। मैम एक बार निशान दिखा दीजिए, वो जो वोट अंदर निशान लगा है ना, ये वाला उंगली वाला। अच्छा, ये वाला ये कैमरे। मैम किन मुद्दों को लेकर इस बार आपने मतदान किया है, क्या सोचकर इस बार वोट देकर आए? बस जो
चलिए कुछ और लोग जा रहे हैं। मैम क्या नाम है आपका? अंजू। हाँ जी मैम, इस बार आप जो मतदान करने जा रही हैं, क्या सोचकर इस बार वोट डालने जा रही हैं? क्या मुद्दे हैं? काम हुआ है, नहीं हुआ है, विकास चाहिए किस तरीके से? देखो विकास तो हुआ है, अब वैसे तो क्या बता सकते हैं, पर मतलब थोड़ा विकास हुआ है। देखो बिल्डिंग नहीं बनी है, तो आगे के लिए सोचते हैं कि विकास हो कुछ। और हाँ मैम, ग्रामीण विधानसभा में और कौन से मुद्दे हैं? काम कहाँ कहाँ पे नहीं हुआ, कहाँ कहाँ पे काम और करने की जरूरत है, जिनकी सोच के आप वोट डाले? देखो हमारा तो है एक मुद्दा, तो ये है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण का जो मुद्दा है वो खत्म होना चाहिए, सबसे मेन मुद्दा है। हर चीज मतलब वो जो उसके हिसाब से आरक्षण दो आप, जो मतलब जैसे परसेंटेज के हिसाब से बच्चे जो आगे पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से, ना कि बल्कि आरक्षण में जो आगे वाले वो पीछे हो जाते हैं और पीछे वाले आगे चल जाते हैं। माता जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम बहुत लंबा है। चलिए आप एक शब्द बता दीजिए। शांति शर्मा। शांति शर्मा मैम, ये बताइए वोट डालने जा रही हैं आप, किन मुद्दों को लेकर क्या सोचकर इस बार मतदान कर? चलो जो कुछ मर्जी में आएगा वही करेंगे। जो मर्जी में आएगा हाँ वही करेंगे। चलिए मैम ने कहा। मैम आप बताइए क्या नाम है आपका? हेमलता। मैम आप वोट डालने जा रही हैं, इस बार क्या सोचकर वोट डालने जा रही हैं आप? क्या मुद्दे हमारे ये है ना जी, बस जो हम सोचते हैं भाई क्या आगे को होना चाहिए ना, एक तो इन्होंने आरक्षण का बहुत रखा हुआ, काम भी बहुत हो रहे हैं, और जो मतलब नहीं ना जो इन्होंने बताया हुआ ना इस बार, तो वो भी आगे को होने चाहिए काम, जो इन्होंने वो मुद्दे रखे हुए ना ये आगे को इस तरह का करेंगे वो भी पूरे होने चाहिए। तो विकास हो रहा है या नहीं और किस तरीके की चीज़ें? विकास भी हो रहा है पर बच्चों को लेके ना आरक्षण वगैरह देखो ये इसका हमारे को ज़्यादा वो है। अब स्वर्णों का देख लो आप, वो पीछे रह रहे हैं और उनको ज़्यादा वो मिल रहा है। बस ये भी हम ये सोचते हैं भी बच्चों को बराबर का वो हो, सबको हाँ जी बराबर मिले, मेहनत का फल बच्चों को अवश्य मिलना चाहिए अपनी। तो मैम ये ग्रामीण जो विधानसभा है ये मुद्दे हैं इस बार जनता के? हाँ जी ये मुद्दे हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। देखिए और जो तमाम लोग जो वोटर डाल कर आएंगे उनसे हम राय लेने की कोशिश करेंगे, लोग अपनी अपनी राय बता रहे हैं। जहाँ एक तरफ मैम ने अपनी बात रखी है आरक्षण को लेकर उन्होंने जिक्र किया है, तो वहीं दूसरी तरफ विकास को लेकर जो जनता है वो अपनी बात रख रही है। चलिए और जो लोग हैं जो मतदान कर आएंगे उनसे हम राय ले रहे हैं कि और जो लोग हैं उनके क्या मुद्दे हैं। ज़्यादातर हमने महिलाओं से इसमें बात की है और महिलाओं ने सुरक्षा सेफ्टी और विकास को लेकर अपनी बात आगे रखी है। जैसे जैसे मतदाता आगे आएंगे हम सभी की राय इस पूरे मामले पर लेंगे। क्या नाम है आपका? रमन। आपने वोट डाल दिया? एक बार निशान दिखा दीजिए कैमरे में। रमन इस बार क्या मुद्दे रहे हैं, किन चीज़ों को लेकर ग्रामीण विधानसभा में वोटिंग हुई? ग्रामीण विधानसभा में तो काफ़ी चीज़ें मुद्दे रखे हैं इन्होंने, अब इतना याद भी नहीं है किस किस चीज़ का विकास हुआ है नहीं हुआ है, चेंजेस की जरूरत है किस तरीके से? चेंजेस तो काफ़ी चीज़ें मांग रहे हैं, रोड के बुरे हाल थे अब जाके ठीक हुए हैं थोड़े, जब इलेक्शन आया तब इन्होंने ठीक किया उन चीज़ों को। उन्होंने अपनी चीज़ें बता दी हैं और भी जो लोग हैं आपके साथ, चलिए कुछ और लोग वोट डालने आए हैं उनसे पहले ही हम राय ले लेते हैं कि इस बार अगर वो वोट डालने जा रहे हैं आप मुझे बताइए आप डाला है वोट? चलिए सर देखिए अपने बच्चे के साथ भी वो वोट डालने आए। सर ये बताइए क्या नाम है आपका? पंकज। सर इस बार निशान दिखा दीजिए एक बार। आप भी दिखा दीजिए। अच्छा आपको आप भी वोट डाल के आए हो आज? हाँ जी। आपके क्या मुद्दे रहे हैं? कमल। क्या नाम है सर आपका? पंकज। सर ये बताइए क्या मुद्दे रहे इस बार जो ग्रामीण विधानसभा है, किन मुद्दों को देखकर जनता इस बार वोट दे रही है? मैडम हम तो रोजगार लोगों का, कि लोगों को नहीं मिला है, बेरोजगारी बहुत है, रोजगार आएगा तो लोग सर्विस जाएंगे, एक एक घर में 10-10 लोग बेरोजगार हैं, कोई नौकरी नहीं है किसी को, कोई वैकेंसीज नहीं निकलती है, कोई कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं कौन सी सरकार आती है क्या बनता है। सर यही मुद्दे हैं आपके बेरोजगारी से लेकर या फिर इसके साथ? बिल्कुल मैडम और तो कुछ भी नहीं है, मेन तो यही है, सब फर्स्ट क्लास है। मैम क्या नाम है आपका? स्वाति। मैम आपने वोट दे दिया? यस मैम। मैम क्या मुद्दा है इस बार आपका, किन मुद्दों को लेकर महिला सुरक्षा? सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट, सेकेंड है आपकी प्रोटेक्शन फॉर लेडीज, थोड़ा सा हमारी क्लीनिनेस, डिफॉरेस्टेशन, ये सारी चीज़ें इसको कंक्लूड करके हिमाचल के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे, देखो करते तो सारे ही ट्राई हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते कि किसी गवर्नमेंट ने नहीं ट्राई किया है,
बट ऑफ कोर्स और ज़्यादा की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और भी लोग जब वोट डाल कर आएंगे उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर वोट डालने जा रहे हैं आप? सर इस बार आप वोट डालने जा रहे हैं किन मुद्दों को लेकर जनता जो है वो वोट? मुद्दे तो कुछ नहीं जी, महंगाई का है सबसे बड़ा मुद्दा, तो महंगाई का है और बाकी बेरोजगारी का भी है जी। हाँ जी, जी काम कुछ हुआ भी है? ऐसा कुछ नहीं हुआ है काम, तो चलो जो कुछ तो हो भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। शिमला शहर की जो विधानसभा थी उसके जो मतदान के बाद लोगों ने क्या रिस्पांस दिया है, किन मुद्दों को लेकर मतदान किया है उसके जानने के बाद अब पहुंचे हैं हम ग्रामीण विधानसभा में और यहां मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि वोट देकर आ चुके हैं। इनसे बात करते हैं कि ग्रामीण जो विधानसभा है वहाँ पर जो जनता है, जो ग्रामीण शिमला की जनता है, उन्होंने किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट किया है। क्या नाम है आपका? कपिल मोहन। क्या नाम है? कपिल। कपिल जी एक वोट डाल दिया आपने? हाँ जी, हाँ जी। निशान दिखा दीजिए एक बार कैमरे में। क्या मुद्दे रहे हैं इस बार जिसको लेकर इस बार आपने मतदान किया है? मुद्दा तो जी एज के हिसाब से सबका अपना अपना लगे है। जैसे युवा है वो बेरोजगारी पे ज़्यादा, उसके बाद आपके ओल्ड जो रिटायर कर्मचारी है उनका ओपीएस का मुद्दा है, वैसे ही अपने अपने मुद्दे सबके है जी। सर जैसे कि अगर हम शहरी विधानसभा की बात करें तो वहाँ अपने मुद्दे थे, ग्रामीण विधानसभा में मेजर मुद्दे क्या हैं, किन चीज़ों को इस बार जो जनता है वो ग्रामीण विधानसभा में देख रही है? वो तो बेरोजगारी ज़्यादा है जी। बेरोजगारी? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है सर? मोहन है सर। मोहन जी आपने वोट डाल दिया? हाँ जी डाल दिया जी। आप मुझे बताइए क्या मुद्दे हैं ग्रामीण विधानसभा के? आपके अपने कोई मुद्दे? अपने तो क्या जैसी बेरोजगारी वाला है बस, बाकी कोई मुद्दे नहीं है। वर्तमान में जो सरकार है उनके 5 साल को कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे? बस देखते हैं जी 5 साल के बाद क्या होता है, क्या कौन सी सरकार आएगी देखते हैं। हाँ। बस बार बार पे अब अगर मुकाबला देखा जाए तो किन दो पार्टियों के बीच में मुकाबला? बराबर का मुकाबला है अभी, अब कुछ नहीं। बस इस बार कौन कौन सी पार्टियों में टक्कर? बीजेपी में टक्कर है। आम आदमी पार्टी का कितना वोट परसेंटेज है यहाँ पर? आम आदमी तो मुश्किल है जी, यहाँ तो नहीं है। यहाँ नहीं है? पर वो तो कह रहे हैं कि हमारा परसेंटेज है। वो तो यहाँ ऐसे भी नहीं आए, कैंपेनिंग में भी नहीं आए ना, कैंपेनिंग में भी कोई नहीं आया उनका तो। उनका तो कुछ भी नहीं है आम आदमी नहीं कोई। हाँ जी, यहाँ तो पता भी नहीं होगा कौन कैंडिडेट होगा। आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट ही नहीं पता यहाँ कौन है? नहीं है लोगों का पता। अरविंद केजरीवाल का नाम तो दिल्ली में चलता है, हिमाचल में नहीं? हिमाचल में नहीं, अभी तक तो कोई आया नहीं, इनकन्विंस करने कोई नहीं आया जी। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे उनका कोई नाम नहीं है। चलिए और भी जो तमाम लोग हैं जो मतदान देकर आएंगे उनसे बात करेंगे हम। सर आप वोट दे आए हैं? चलिए निशान नहीं दिखा सकते, अच्छा ये बताइए देखिए यहाँ पे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक जो पाठशाला है यहाँ पर जो है वो वोटिंग हो रही है। तमाम जो लोग हैं वो वोट डालने जा रहे हैं, कुछ महिलाएं जा रही हैं। अब बात करते हैं, कुछ लोग भी यहाँ पर खड़े हो। मैम आप वोट डालने जा रही हैं? ये एक बार आप डालने जा रही हैं? मैम किन मुद्दों को लेकर इस बार आप मतदान कर रही हैं ग्रामीण विधानसभा में? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको इस बार जो जनता है वो देख रही है? काम हुआ नहीं हुआ, सही हुआ? काम तो सही हुआ। हाँ जी। तो मैम क्या देख रही हैं इस बार, किन मुद्दों को लेकर इस बार विकास, बेरोजगारी? हाँ जी बेरोजगारी विकास के उस। हाँ जी मैम ने कहा कि उनका मुद्दा जो है वो विकास है और भी महिलाएं। मैम तो देखिए ये थी जनता की राय, जिस तरीके से लोग जो है वो अपने अपने मुद्दे उन्होंने सामने रखे हैं। और इस वक्त मैं खड़ी हूँ, ग्रामीण विधानसभा है ये शिमला की। मैंने पहले ही आपको बताया है कि दो जो विधानसभा है, एक शहरी है एक ग्रामीण है, और दोनों की ही रिस्पॉन्स है हम आपको दिखा चुके हैं। और वहीं वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो वो लगातार अब बढ़ रही है, जिस तरीके से सवेरे से जो लोग हैं अब ज़्यादा मात्रा में जाकर मतदान कर रहे हैं। देखना अहम रहेगा कि शाम के 5 बजे तक जब तक पोलिंग होती है तब तक कितने परसेंटेज जो है वो इस बार हिमाचल में वोटिंग होने वाली है।